नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। आज हम बात करेंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी की, एनसीए की, जिसकी कवायद की जा रही है काफ़ी समय से, इसको बदले जाने की, इसका स्वरूप बदले जाने की। और इस सिलसिले में बातचीत हुई है अभी पिछले दिनों बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली, वो राहुल द्रविड़ से मिल चुके हैं जो डायरेक्टर हैं। क्या कुछ बदलाव हो सकता है और कितना ज़रूरी है, इस पर बातचीत के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजकुमार शर्मा जी और निखिल चोपड़ा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रोज़ आप देखते हैं इंडिया न्यूज़ चैनल में। और क्या कहेंगे निखिल, ये जो कुछ हो रहा है सेंटर ऑफ एक्सलेंस में तब्दील करने की जो योजना है, क्या ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है पूरी तरह से? देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित नहीं है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को और भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई को फॉलो कर रहा है कि उन्होंने एनसीए किस तरीके से बना लिया और भारत किस तरीके से लगातार एक से बेहतर एक खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। भारतीय टीम की जो नर्सरी है वो किस तरीके से तैयारी है, किस थॉट प्रोसेस से खिलाड़ी को एनसीए से निकाला जा रहा है, तो अब तो पूरा विश्व भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फॉलो कर रहा है। और मेरे ख्याल में जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, एक तो देखिए एनसीए का एक बड़ा ग्राउंड जो मैदान खरीदा गया है बैंगलोर में, वहाँ पे तब्दील होगा, लेकिन जो सोच विचार है उसी को और थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश है। क्योंकि सबसे मज़े की बात ये, सौरव गांगुली जो एक समय भारत के सबसे सफल कप्तान रह चुके हैं, राहुल द्रविड़ के साथ समय बिताया कि और क्या और कैसे सुधार कर सकते हैं। और मेरे को जो लगता है वो जितने युवा खिलाड़ी के ऊपर सोच रहेगी उनको उतना ही निखारने की कोशिश है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, कि जो भी वहाँ पे आप खिलाड़ियों को जो टैलेंटेड हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो उनमें और समय बिताएंगे। राजकुमार जी, क्या एनसीए जो है पिछले कुछ वर्षों में एक रिहैब सेंटर बनकर नहीं रह गया? थोड़ा ये तो नहीं कहूँगा रिहैब सेंटर रहा, लेकिन हाँ, इंजरीज़ के लिए सभी प्लेयर वहाँ काफ़ी समय तक रहते हैं और काफ़ी उनको फ़ायदा भी होता है। लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की जो कवायद की है सौरव गांगुली ने, वो बहुत एक अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि अच्छा सेटअप है अभी भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ सेटअप अच्छा नहीं है, लेकिन एक बड़ा लैंड लिया गया है बैंगलोर में और उसको काफ़ी अच्छा पूरा नया मॉडर्न उस ढंग से बनाया जाएगा। 40 एकड़ का लैंड है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और एयरपोर्ट के पास भी है वो, जिससे सबको कन्वीनियंट भी होगा वहाँ पर पहुँचना, क्योंकि अभी शहर में जाने में बहुत देर लगती थी किसी भी प्लेयर्स को। तो एक अच्छी सोच है और वहाँ पर सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर जब दोनों इकट्ठे कोई प्लानिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा देश के यंगस्टर्स के लिए। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं रवि शास्त्री को, कप्तान विराट कोहली को, तो एक कुल मिला के एक अच्छी सोच है, सारे क्रिकेटर्स मिलकर क्रिकेटर्स का भला ही करेंगे। चलिए राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद थोड़ी जल्दी में भी थे, मैं निखिल जी को नहीं छोड़ने वाला इतनी जल्दी। निखिल जी, एक बात बताइए, जैसे कि उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की जुगलबंदी की बात इन्होंने की है, अब रवि शास्त्री को भी इसमें जोड़ने की बात कही है, संकेत दिया है, एक एक्सक्लूसिव खबर हमारे हमने इसको ब्रेक किया था। क्या लगता है कि रवि शास्त्री के आने से, रवि शास्त्री जब एनसीए से जुड़ेंगे तो कहीं कोई टकराव या कहीं कोई वैमनस्य दोनों के बीच में, विरोधाभास या इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ सकती? नहीं, क्यों आएंगी, अभी तो एनसीए में वो ऑलरेडी जुड़े हैं, ऐसा अब और कितना जुड़ेंगे? कि जिस तरीके से राहुल द्रविड़ वहाँ पर होल उनके पास कमान है, वो डायरेक्टर हैं, वो निर्णय लेते हैं, लेकिन यहाँ जब पारस मामरे और इनके साथ जब वो भी जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? वो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, हेड कोच को जोड़ने की कवायद हो रही है। हाँ, तो हेड कोच को तो वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्यों, वही हेड कोच ही बताएगा ना कौन से खिलाड़ी की उनको क्या टीम में ज़रूरत है। अगर किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत है, कोई फिजिकल दिक्कत है, तो वो हेड फिजियो जो हैं एनसीए में उनके पास भेजते हैं, तो वो तो रवि शास्त्री तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अब कितना जुड़ेंगे। अब ये थोड़ी ना कि रवि शास्त्री जब भारतीय क्रिकेट टीम नहीं खेल रही तो वो भी एनसीए में जाएंगे, वो जो जुड़ने की बात है वो जुड़ने की यही बात है कि भारतीय टीम में किस चीज़ की कमी है, क्या क्या और फीडबैक के तौर पे एनसीए से उनको और मजबूत किया जा सकता है। चेहरा जो है भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट स्टाफ के रूप में वो है इस समय रवि शास्त्री, और वो बताएंगे कि एनसीए और पूरे भारतीय क्रिकेट में कि किस किस्म की ज़रूरत है। अगर भारतीय टीम में जैसे कोई खिलाड़ी चोट के कारण बीमार हो जाता है या बाहर हो जाता है तो टीम की क्या मांग है, टीम का बैलेंस बनाने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कौन से खिलाड़ी की ज़रूरत है, वो काम वो करते हैं। 2000 में बनी थी और आप उन दिनों क्रिकेट भी खेलते थे, आपके समय में एनसीए, तब से अब तक कितनी उपयोगी साबित हुई है भारतीय क्रिकेट के लिए और कितना अभी उसमें और आपको लगता है सुधार की ज़रूरत है? देखिए, जीवन में हर चीज़ में हमेशा सुधार के लिए ना एक मार्जिन रहता है, तो आप चाहे वर्ल्ड के बेस्ट भी हो जाएं लेकिन आप हमेशा सुधार की खोज करते रहते हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट
छलांग मार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करा, चाहे T20 हो, चाहे एक दिवसीय क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। इतने सालों के बाद आपने देखा है कि आपके पास 4-5 ऐसे तेज़ गेंदबाज हैं जो 145 की स्पीड से ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी करते हैं। कब, मुझे तो वो समय याद नहीं कि भारतीय गेंदबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी के सर पर बॉल मारी हो और एक के बाद एक दोनों छोर से दबाव बनता चला जा रहा है। तो NCA आपकी नर्सरी जो है ना वो तैयार कर रही है, इसीलिए भारतीय टीम इतनी मजबूत है। आज जब आपके सीनियर खिलाड़ी रेस्ट करते हैं तो आपके पास इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ हो गई है कि उनकी कमी खलने नहीं दे रहे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बेंच स्ट्रेंथ लगातार जारी रहे और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आज 5-6 और तेज चले और चलती चली जाए और वर्ल्ड नंबर वन, कहते हैं ना कि एवरेस्ट पर पहुंचना बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन उस पर बने रहना और भी बड़ी बात है, और यही भारतीय क्रिकेट टीम से उम्मीद है। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।